नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड की मुंबई शाखा की तरफ से गोरेगांव पूर्व में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर डीपी मिश्रा प्रमुख रूप से उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन मुंबई सचिव अनीस खान के द्वारा किया गया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा की ये विशेष रिपोर्ट। नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड की तरफ से आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में हम सब यहाँ के निवासियों की तरफ से, भारतवासियों की तरफ से आक्रोश से परिपूर्ण विदीर्ण हृदय से सही लेकिन आक्रोश से भरा हुआ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हमारे सभी शहीदों को आप तो सदमार्ग में जो भी उन्हें आप स्थान दोगे उनका उचित स्थान उन्हें मिलेगा ही, लेकिन हमारा जो आक्रोश है कि ऐसे लोग जो इस समय पूरी दुनिया को देख रहे हैं और इस किन परिस्थितियों में आज जब भारत विश्व की पांचवी महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है, आज जब भारत हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है, आज जब भारत दुनिया का वह शक्ति बन गया है कि एक साथ 128, 130 सैटेलाइट को अपने क्षेत्र से एक साथ में अंतरिक्ष में भेज रहा है, हम पृथ्वी पर अंतरिक्ष में जल नभ हर तरफ प्रगति के पथ पर हैं, एक दुष्ट पाकिस्तान नामक देश अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दुष्ट बाज तब तक नहीं आएगा जब तक उसका सर कुचला ना जाए, लेकिन ऐ दुष्ट यह देश की जनता जानती है, आशा रखती है और पूरी विश्वास रखती है अपने सरकार पर, अपने देश के सैनिकों के शौर्य और पराक्रम पर कि तेरे मुंडी कुचल दिए जाएंगे। ऐ सांप, ऐ राक्षस, आज नहीं तो कल, वो समय मैं नहीं जानता लेकिन वो नज़दीक आ गया है, तेरा ये सौवां पाप है। भले सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तू चुप बैठा था लेकिन तेरी ये जुर्रत, ये तेरी अंतिम जुर्रत है, इसके बाद इस जन्म में तू जुर्रत नहीं कर पाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम फिर से अपने विदीर्ण हृदय से, आक्रोशित हृदय से भारतवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। पूरे देश के कोने कोने में, मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पूरे देश से श्रद्धांजलि दे रहा है। और ये हमारी शक्ति है कि हम आज हमारे प्रधानमंत्री के साथ, हमारे देश के साथ जुड़े हैं और खड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रद्धा सुमन पुनः अर्पित करता हूँ। भारत माता की जय।